हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पर्यायवाची शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यानी जो भी एग्जाम में पर्यायवाची या अनेकार्थक शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में स्किप मत कीजिएगा, कम्प्लीट वीडियो देखिए और लास्ट में बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, यानी आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, उसे पूछ रहा है कि लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द कौन सा है, यानी लक्ष्य के जो समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन आपके पास निशाना उद्देश्य, नाम या बल, गति और चाल, या सही और गलत। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द होते हैं निशाना, उद्देश्य, ये सभी क्या है, पर्यायवाची हैं, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है, बादल बिजली, अमृत पानी, प्राण प्रियतम, या सेना और शक्ति। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुधा का अनेकार्थक पर्यायवाची शब्द होता है अमृत पानी, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके पास तटिनी, जयमाला, नद, या प्रवाह। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, यानी प्रवाह क्या है, सरित का समानार्थी शब्द नहीं है। इसके अलावा नद, तटिनी और जयमाला, ये सभी सरित के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंजूर का समानार्थी शब्द कौन सा है, यानी मंजूर जो शब्द है उसका समानार्थी शब्द वो कौन सा है। ऑप्शन आपके पास पसंद, प्रस्ताव, स्वीकार, या अच्छा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मंजूर मतलब होता है स्वीकार करना, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, सनातन, चिरंतन, शाश्वत, या अधुनातन। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अधुनातन। अधुनातन शब्द क्या है, इन सभी शब्दों से भिन्न है, जबकि अन्य तीनों विकल्प परस्पर पर्यायवाची है, यानी सनातन, चिरंतन, शाश्वत, ये क्या है, आपस में पर्यायवाची शब्द है, एक अर्थ शब्द है, लेकिन अधुनातन इनसे डिफरेंट है, इस वजह से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि सबसे सटीक सार्थक वाक्य बताइए, संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, या संघर्ष मनुष्य को निखारता है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो स्ट्रगल हमारी लाइफ में आता है तो वो हमारी लाइफ को क्या, निखारता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निमिष शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, या क्षण। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका निमिष शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षण, यानी क्षण निमिष का पर्यायवाची। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, जंगल के अर्थ में, स्त्री के अर्थ में, पुस्तक के अर्थ में, या व्यवसायी के अर्थ में। यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं मुकुंद किसका पर्यायवाची शब्द है, विष्णु का, शिव का, सूर्य का, या कामदेव का। यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, मुकुंद शब्द क्या है, विष्णु, विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यहाँ आपका घोड़ा दिया हुआ था, तो घोड़ा क्या है, अश्व का पर्यायवाची है, घोटक भी है भी है, यहाँ आपका कटक दिया हुआ था, तो कटक क्या हो जाएगा, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं, अश्व का पर्यायवाची नहीं होता है। तो कटक जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है, कटक का अर्थ होता है सेना, इस वजह से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ जो दिया हुआ था ये खगोत दिया हुआ था कि खगोत का पर्यायवाची क्या है, ऑप्शन आपके पास विद्युत, जुगनू, चिंगारी, या खगोल। जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जुगनू, खगोत का पर्यायवाची होता है जुगनू, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कालिंदी शब्द का पर्यायवाची क्या है, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, या यमुना। तो यहाँ जो गाइस राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यमुना, यमुना को हम कालिंदी भी कहते हैं, तो कालिंदी क्या हो जाएगा, यमुना का पर्यायवाची, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि तरणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सूर्य, नाम, युवती, या नदी। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तरणी मतलब होता है सूर्य, यानी सूर्य के पर्यायवाची है तरणी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सिखी, सापक, विभावरी, या मत्स्य। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मत्स्य, मत्स्य को क्या कहते हैं, हम मीन भी कहते हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए, आत्मजा, नंदिनी, भार्या, और कन्या। तो इसमें से सबसे अलग जो है वो वर्ड कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, भार्या क्या है, अलग है। इसके अलावा जो आपकी नंदिनी
आत्मजा तथा कन्या एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन भारिया अलग अर्थ प्रकट करता है। यानी आत्मजा, नंदिनी, कन्या ये सभी समानार्थी शब्द हैं, लेकिन भारिया डिफरेंट है, इस वजह से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या अद्वितीय। यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुपम का पर्यायवाची होता है अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, नीरद, नीरज, अंबुज या अंबु। यहाँ का ये ऑप्शन करेक्ट है, नीरद शब्द जो है वो बादल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, दिनकर, रवि, अंशुमाली या यामिनी। यहाँ आपका डी, जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यामिनी शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा दिनकर, रवि, अंशुमाली ये तीनों ही सूर्य के पर्यायवाची हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के बिहाफ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सामंजस्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, बराबरी, तालमेल, मेलजोल या समता। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, सामंजस्य शब्द का समानार्थी शब्द है तालमेल, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता शब्द में जो अंबार शब्द है उसका क्या मतलब होता है, भार से, ढेर से, आभार से या कृतज्ञता से। तो यहाँ आपका ढेर से मतलब है, अंबारों मतलब ढेर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है, यानी पूंजी का क्या अर्थ है, धन संपत्ति, एक विचार, एक ग्रंथ या विरासत। तो यहाँ आपका एक ग्रंथ से मिलता है, क्योंकि यहाँ कह रहे पूंजी का रचयिता यानी कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने पूंजी की रचना की है, तो पूंजी क्या हो जाएगा, एक ग्रंथ हो जाएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। ये कह रहा है कि जीवन पर्यंत शब्द का अर्थ क्या है, जीवन का अंत, सुखी जीवन का अंत, जीवन और परिवार या जीवन भर। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जीवन भर। लोग कहते नहीं जीवन पर्यंत काम करना है, यानी जीवन भर काम करना है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है, निशाना, लक्ष्य, उद्देश्य, उद्धार। इन चारों में से डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि निशाना, लक्ष्य, उद्देश्य एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उद्धार डिफरेंट है इन तीनों में से, तो इस वजह से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुच्छेद में जंजाल शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, त्राही त्राही, झंझट, समस्या या प्रयत्न। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, झंझट के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सानिध्य का समानार्थक है, समर्पण, समीपता, सन्निपात या सर्वाधिक। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सानिध्य मतलब होता है समीपता, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हालात का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, हालत, स्थिति, समस्या या परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है गाइस वो हो जाएगा स्थिति। लोग कहते नहीं हालात अच्छे नहीं है, यानी स्थिति अच्छी नहीं है, तो यहाँ हालात का जो समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह कौन सा है, वैनते, चंद्रमौली, सुरपति, देवराज या मधवा, पुरंदर, सचीपति, वासव। सुरपति, पुरंदर, उपेंद्र, अंशुमाली या वैनते या मधवा, सुरपति, वासव। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही है, मधवा, पुरंदर, सचीपति, वासव, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए, वृक्ष, स्वर्ण धतूरा, स्वर्ण धतूरा गेहूं, स्त्री, पलाश, आभूषण या इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, कनक मतलब सोना भी होता है, कनक मतलब धतूरा भी होता है, कनक मतलब गेहूं भी होता है। आपने सुना भी होगा कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। तो वहाँ कनक शब्द के दो अर्थ निकाले जाते हैं, कनक एक धतूरे के अर्थ में भी प्रयोग हुआ था और एक कनक सोने के अर्थ में भी प्रयोग हुआ था। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आख्यान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कथाएं, उपदेश, विमर्श या काव्य। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, आख्यान का पर्यायवाची होता है कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उस शब्द समूह को चुनिए जो श्यामा शब्द के विभिन्न अर्थों को व्यक्त करता हो। ऑप्शन आपके पास राधा, यमुना, कोयल, काली, कोयल, रात्रि, यमुना, रुक्मणी, राधा या रुक्मणी, कोयल और रात्रि। यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, श्यामा के अर्थ में राधा, यमुना और कोयल, यानी राधा को भी श्यामा कहा जाता है, यमुना को भी श्यामा कहा जाता है और कोयल को भी श्यामा कहा जाता है, इसलिए यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इस क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची है, नवनीत, हेम, अमी या रसाल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन सही है। अमी मतलब अमृत होता है, यानी अमृत का पर्यायवाची समानार्थी शब्द है अमी। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि हाथी का पर्यायवाची शब्द बताइए, पुरंग, कुंजर, कलहंस या केहरी। तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, कुंजर मतलब होता है हाथी, यानी कुंजर हाथी का पर्यायवाची है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पर्क का समानार्थी बताइए, असरदार, अंतर, हानि या प्रभावकारी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर। लोग कहते नहीं ये आप दो लोगों में फर्क कर रहे हैं, यानी अंतर कर रहे हैं, तो फर्क का समानार्थी होता है अंतर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कहते हैं, फिर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सुचिता शब्द का क्या अर्थ होता है, निर्मलता, सरलता, निष्पक्षता या पवित्रता। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुचिता शब्द का अर्थ होता है पवित्रता, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हवा का पर्यायवाची नहीं है, वायु, बयार, समीर या ध्वज। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्वज। ध्वज हवा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि वायु, समीर और बयार ये सभी तीनों हवा के पर्यायवाची है, तो इस वजह से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन आपके पास पाषाण, चट्टान, प्रस्तर या अश्व। हमें पता है अश्व पर्यायवाची नहीं, अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा और पत्थर का तो कोई मेल ही जोल नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस समूह के सभी सदस्य चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन है आपके पास शशि, इंदु, रजनीपति, निशास्कर, शशांक, नवनीत, छपाकर, मलय, निशानाथ या आफ्ताब, राकेश और ग्रहण। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। शशि, इंदु और रजनीपति ये तीनों ही चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है, निशाकर, रात्रि, रजनी या विभावरी। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, निशाकर क्या है, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा रात्रि, विभावरी, रजनी ये तीनों ही रात के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्जीव का क्या अर्थ है, नीर वाला जीव, जीवन रहित, निकट का जीव या जीवित। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, निर्जीव मतलब होता है जिसमें जीवन ना हो, यानी जीवन रहित, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरण्य शब्द का क्या अर्थ है, झुरमुट, बगीचा, जंगल या पेड़ पौधे। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरण्य मतलब होता है जंगल, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मेघ, पयोद, घन या अंबुज। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंबुज जो शब्द है वो वारिद का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा मेघ, घन, पयोद और वारिद ये सभी समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन आपके पास अनंग, मनसिज, कदर्प या अरविंद। यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, अरविंद क्या है, कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा अनंग, कदर्प, मनसिज ये तीनों ही कामदेव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है, बलाहक, केसरी, मार्तंड या द्विरद। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है केसरी, केसरी मतलब होता है सिंह, यानी सिंह का पर्यायवाची शब्द है केसरी, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, अली, मधुप, ताम्रचूर्ण या खटपद। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ताम्रचूर्ण, ताम्रचूर्ण भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा अली, मधुप और खटपद ये तीनों ही भ्रमर के पर्यायवाची हैं। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं भक्ति का अर्थ नहीं है, सेवा, पूजा, श्रद्धा या कविता। तो कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, कविता का भक्ति से कोई लेन देन नहीं है, सेवा, पूजा और श्रद्धा ये समानार्थी शब्द है, एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं और भक्ति के अर्थ से रिलेटेड है, इस वजह से इस क्वेश्चन के बिहाफ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि कविता इससे रिलेटेड नहीं है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 45 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने समानार्थी और पर्यायवाची ये क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।